काम तो निपट गया, चलो अब आराम करते हैं। लेकिन आज तो मुझे पार्लर मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश हो जी। क्या हुआ? वही हुआ क्या जो हमने प्लान किया था। अच्छा, मतलब उस छिपकली को डांट पड़ी? ये तो पता नहीं, लेकिन ये पक्का हुआ कि मैंने राज को जो बात बताई साड़ी वाली, तो राज भी इमोशनल हो गया और उसने कहा कि मम्मी जी अब मैं आपके लिए सोचूंगा। मैंने उसको बचपन की वो सारी बातें याद दिला दी जो मैंने वो दोनों भाइयों के लिए करी थी। तो सही किया आपने, सही किया। इमोशनल हो गया और उसने कहा कि अब जो भी चीज़ घर में आएगी तो पहले मॉम की आएगी, बाद में मीनाक्षी की आएगी। देखा ना, अगर मैंने आपको नहीं बताया होता तो आपको कैसे पता चलता? अरे हाँ, और मैंने राज को ये भी बताया कि आज तो तू साड़ी लाया, शादी तो अभी अभी हुई, दोनों घराने की साड़ियाँ अभी वैसे ही पड़ी है और तू साड़ी लेके आया, और आज साड़ी लाया कल तू सोना लाएगा, और तेरी सैलरी में से क्या क्या कटता है वो मेरे से झूठ क्यों बोलता है तू? मुझे सब पता चल गया कि कुछ पैसे तू अपने पास रखता है और वो भी अपनी बीवी के लिए। तो उसने मान लिया और उसने कहा मॉम अब टेंशन मत लो, अब जो भी होगा पहले घर के लिए होगा, आपके लिए होगा, और लास्ट में अगर पैसे बचे तो मीनाक्षी के लिए होगा। ये सब आपने ठीक किया, और ये खबर सुना के ना आपने तो मेरा मन खुश कर दिया। आपको बताया मम्मी जी, देखो मैं तो मेरे मायके में से इतना लाई हूँ कि कोई कम ही नहीं है, और आपको तो पता है मेरे पापा इतने पैसे वाले हैं, उनके यहाँ मैंने इतना देखा है, और ये ठहरी फटीचर की लड़की जो कुछ नहीं लाई, और इसमें भी राज भैया उसको सर आंखों पे बिठा रहे थे। देखो जो उसकी औकात है ना वो तो उसको याद दिलानी ही पड़ती है, और वो शायद राज ने दिला दी है। अब वो साड़ी उतार देगा। और सुनिए मम्मी जी, आगे भी ऐसे ऐसे आप प्लान बनाते रहिए, क्योंकि ना इन दोनों की बननी नहीं चाहिए, अगर बन गई ना तो देख लेना हमारे घर में उसका राज हो जाएगा। रिचा, शायद आज के बाद वो कुछ भी नहीं होगा जो हम नहीं चाहते। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आगे देखते हैं होता है क्या। यस, अब देखते हैं कि क्या होता है। है ना, टू केटा। अच्छा राज, तो ये बात है। क्या बात है राज भैया? अभी भी क्यों अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? मैंने वहां से तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस तरीके का घिनौना गंदा काम करते हुए घर में झगड़ा करवाते हो? ये कोई अच्छी बात है? नहीं नहीं राज भैया, आपको गलतफहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ कहा ही कहा है, और आप किस बारे में बात कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है हमें। भाभी तुम्हारा तो ठीक, लेकिन माँ तुम भी, तुम तो थोड़ा लियाज कर लेती माँ। बेटा मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तो साफ साफ बता भी सकते थे ना कि करना क्या है, इस तरीके से झगड़ा करवाने से क्या फायदा? मैंने झगड़ा नहीं करवाया है, जो सही था मैंने वो तुझे बताया, और तूने मीनाक्षी को। मुझे नहीं लगता है कि इस बात के बाद मैं यहाँ पे रह भी पाऊंगा। नहीं राज, ऐसा क्यों सोचता है? तुमने सोचने पे मजबूर किया है माँ। नहीं राज भैया, आप घर के सबसे छोटे बेटे हो, और आप घर छोड़कर चले जाओगे ये नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जो काम किया वो अच्छा लगेगा है ना? राज हमने जो किया वो घर की भलाई के लिए किया। अच्छा, मेरा और मीनाक्षी का झगड़ा करवाया उससे घर की भलाई होने वाली थी, किस तरीके से जरा मुझे समझाएगी आप? हाँ, सबसे पहली बात कि तेरी शादी अभी अभी हुई है,
और दोनों घराने की जो भी कुछ कपड़े हैं वो वैसे के वैसे ही अलमारी में पड़े हैं, और फिर भी तू उसके लिए एक नई साड़ी लेके आया। साड़ी मैं लेके आया था, उसने मंगवाई नहीं थी माँ, मैं अपनी मर्जी से लेके आया था। मैंने उसको बुरा नहीं कहा है, मैं तुझे ही कह रही हूँ कि ये सब होते हुए भी तू साड़ी क्यों लाया। तो फिर आपने उस दिन वहां पे मुझे बैठे बैठे सब कुछ समझाया था ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने वही तो समझाया, मैंने झगड़ा नहीं करवाया, और अगर तूने झगड़ा किया है तो ये मैं क्या कर सकती हूँ। कितना झूठ बोलोगी माँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें वहां से सुनी है, ये पूरा झगड़ा तुम दोनों ने मिलकर करवाया, अभी भी सामने खड़े रह के बोल रहे कि ये सब झगड़ा मैंने नहीं करवाया। Come on. राज भैया, मुझसे और मम्मी जी से गलती हो गई। क्या है ना कि मीनाक्षी छोटे घर से है, कुछ दहेज लेके नहीं आई है, तो सारी कानाफूसी तो मैंने ही की है मम्मी जी की। मम्मी जी को हर रोज भड़काती थी कि वो क्या लेके आई है, कुछ भी नहीं, वो हमारे स्टेटस की नहीं है, हमारे घर के बराबर नहीं है। वो नहीं थी, लेकिन आज वो हमारे घर की एक मेंबर है भाभी, हमारे लेवल की है वो। हाँ राज भैया, आपकी बात सही है, गलती हो गई मुझसे और मम्मी जी से, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए, लेकिन आप ना घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिए। हाँ राज, रिचा सही बोल रही है, तू घर छोड़ के नहीं जाएगा, और हाँ, हमने जो भी किया अपने घर को बचाने के लिए किया था, और मैंने जो तुझे समझाया उसमें से कुछ भी गलत नहीं था। वो समझाया वो गलत नहीं था माँ, लेकिन तुमने जो मेरा और मीनाक्षी का झगड़ा करवाया ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। राज भैया, अब 2 मिनट रुके, आपका झगड़ा भी सुलझ जाएगा और आगे ऐसी कोई चीज नहीं होगी। 2 मिनट रुक जाइए मीनाक्षी। मीनाक्षी अब अभी मीनाक्षी, आज हम ना तुम्हें एक बात बताने जा रहे हैं कि आज तक तुम्हारे और राज भाई के बीच में जितने भी झगड़े हुए ना, वो सारे झगड़े का कारण मैं हूँ। क्या? हाँ मीनाक्षी, मैंने ना हमेशा मम्मी को कहा कि तू छोटे घर से है, कुछ नहीं लाई है, ना संस्कार है, ना रहन सहन है, ना हमारे घर के बराबर है, लेकिन ये मेरी भूल थी, क्योंकि तू जिस दिन से यहाँ शादी करके आई ना, तूने तो सबको संभाला, लेकिन मैं बड़ी होके भी बड़ेपन ना दिखा सके। राज भैया माफ़ कर दीजिए, और आज जो साड़ी को लेकर झगड़ा हुआ ना तुम दोनों के बीच, वो भी मेरी वजह से ही हुआ, प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तो एक दो बार मुझे समझाया भी था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं पगली आपको उल्टा ही समझाती रही, इसी वजह से अपने घर में झगड़े बढ़ गए। कोई बात नहीं भाभी, आप गिल्ट मत करो। थैंक यू। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाने में ही भलाई है। अभी राज भैया देखो, मेरी वजह से झगड़ा हुआ ना, तो मैं एक बात बताती हूँ, जो साड़ी आप मीनाक्षी के लिए लाए हो ना, उसे पहन के आप और मीनाक्षी मूवी देखने जाओगे। हाँ ठीक है, जाएंगे हम। मीनाक्षी, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता, क्योंकि ये सब कुछ जाने अनजाने में हुआ है मुझसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे हर्ट नहीं हुआ है, बस ये तो आज सिर्फ घर की वजह से आपने इतना सब कुछ कर लिया। कल को कोई और भी आके बोलेगा जैसे हम सबकी बात मानने लगेगी, तो हमारा तो कभी संसार ही नहीं चलेगा ना। सही बात है, मतलब मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि देखो, सोचो, सुनो, और जो सच है ना उसे वो मानो। ठीक है। हाँ चलो, अब ना सब अपना मूड फ्रेश कर लो, और ना राज भैया आपको अभी लेके जाना है, मुझे पता है आज रात को नई फिल्म आने वाली है, तो अभी आप इतने दिनों से गए भी नहीं हो, और अभी तो शादी हुई है, तो अभी तो घूमने के दिन है ना, है ना मम्मी जी। दोस्तों,
घर में दो दो बहू हो, तीन हो, चार हो, लेकिन अगर कोई बहू ज़्यादा न ला पाए, एक तो पहले तो दहेज लेना और देना ये सबसे बड़ा दूषण है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी अगर कोई बहू नहीं लाती है तो उसके साथ वो नहीं होना चाहिए जो हमारे घर में हुआ। उस सब के लिए हम सब माफ़ी चाहते हैं हमारी बहू की, और आप भी अपना घर अपनी बहुएं संभाल लीजिए।